अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रेसिपी लाई हूँ आपके लिए रेशन सैलेड, जो बहुत ही कम वक्त में बेहतरीन सैलेड तैयार होगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। रेशन सैलेड के लिए मैंने लिया है मैक्रोनी एक प्याली, मैंने इसको बॉईल कर लिया है। एक बड़ा सेब लिया है मैंने, इसको मैंने चौकोर साइज में काट लिया है। गाजर लिए मैंने एक अदद, इसको भी मैंने ऐसे काट लिया है। एक बड़ी शिमला मिर्च ली है, इसको भी मैंने चौकोर साइज में काट लिया है। बंद गोभी लिए मैंने तकरीबन एक पाव, उसको मैंने काट लिया है, इसको एक प्यारी है तकरीबन। क्रीम लिए मैंने इसको आधी प्यारी, मैंने इसको बीट कर लिया है। मायनीज है, ये भी आधी प्यारी है। चीनी है, इसको मैंने इस तरह मैंने पीस लिया है, दो चम्मच है। कॉर्न है, स्वीट कॉर्न, ये तकरीबन एक प्यारी है छोटी। नमक है आधा चम्मच। सफ़ेद मिर्ची पीसी हुई दो चम्मच। बड़ा बोल ले लिया है मैंने, इसमें मैक्रोनी डाल रही हूँ मैं। सेब भी इसी में डालेंगे। गाजर डाल दी, शिमला मिर्च, बंद गोभी, स्वीट कॉर्न, वही चीनी, ये भी डाल रही हूँ मैं। नमक भी डाल रहे हैं, व्हाइट पेपर, ये भी डाल रही हूँ मैं। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। मायनीज डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करना है। क्रीम भी मैं इसमें डाल रही हूँ। हाथ से अच्छी तरह मिक्स होता है बजाय चम्मच के। हाथ को अच्छी तरह धो के फिर ये काम करें। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये रेशन सैलेड तैयार हो गया है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकालूंगी। बहुत कम वक्त में और बहुत बेहतरीन सैलेड तैयार हुआ है। बहुत टेस्टी है रेशन सैलेड, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा।